दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर आखिरकार हकीकत में बदलने वाला है, क्योंकि इंडोनेशिया के बाली में जो G20 की बैठक हुई है उसमें कुछ ऐसा हुआ जिसे पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था, और पाकिस्तान में अभी से इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। G20 बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात की है, और यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी पाकिस्तान की यात्रा को स्थगित कर दिया था। ऐसे में जहां एक तरफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात शाहबाज शरीफ से नहीं हो पाई, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ना जाते हुए भी उनकी मुलाकात पीएम मोदी से G20 समिट के दौरान हो गई, जिस बारे में सोच सोच कर ही अभी से पाकिस्तान काफी ज्यादा सदमे में जा चुका है, क्योंकि देखा जाए तो अब भारत और सऊदी अरब के बीच के रिश्ते काफी मजबूत होते जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान यात्रा को रद्द करना और अब वे G20 समिट के दौरान पीएम मोदी से मिलना, इन सब बातों के बारे में हम आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान इसी महीने पाकिस्तान आने वाले थे, और ऐसे में अचानक से उनकी यात्रा स्थगित होने से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इस यात्रा के दौरान मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान को $12 अरब का निवेश करने वाले थे, और पाकिस्तान को यह उम्मीद थी कि उसे सऊदी अरब से एक वित्तीय पैकेज भी मिल जाएगा, लेकिन एक ही झटके में पाकिस्तान के सारे सपने चकनाचूर हो गए। और बताया जा रहा है कि इस यात्रा के स्थगित होने के पीछे इमरान खान है। वैसे मोहम्मद बिन सलमान को कुछ घंटों के लिए भारत भी आना था, लेकिन एक रणनीति के तहत अब वे भारत नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब ने यहां एक बड़ा खेल कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान ना आकर भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं, और दोनों ही नेताओं ने इंडोनेशिया में G20 समिट के दौरान आपसी मुलाकात की। मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं कि जब पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई तो कुछ घंटों के लिए भारत जाकर पाकिस्तान को नाराज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भारत में ना आकर वे पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान ना जाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है, और भारत अपनी कूटनीति से पाकिस्तान को सऊदी अरब से दूर करने में सफल रहा है। वैसे यह सोचना गलत है कि सऊदी अरब भारत के लिए पाकिस्तान से अपने संबंध पूरी तरह से तोड़ देगा, क्योंकि अपने फायदे के लिए सऊदी अरब को पाकिस्तान की भी जरूरत है, लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान की हैसियत सिर्फ सऊदी अरब के पार्टनर की नहीं बल्कि एक सामान की तरह हो गई है, जिसका जरूरत होने पर इस्तेमाल किया जा सके। सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, और दोनों ही देश गैस और तेल के व्यापार के अलावा रणनीतिक भागीदार और प्रवासी कामगारों को लेकर मजबूती से जुड़े हुए हैं, और भारत के कच्चे तेल और LPG गैस की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब पूरा करता है, और सऊदी अरब में काम करने वाले सबसे ज्यादा लोग भी भारतीय हैं। सऊदी अरब में काम करने वाले 26 लाख से ज्यादा भारतीय हर साल लगभग $8 बिलियन भारत भेजते हैं, और वित्त वर्ष 2021 और 22 में सऊदी अरब और भारत के बीच $42.68 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। अब इंडोनेशिया के बाली में मोहम्मद बिन सलमान और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम करेंगे। ऐसे में जहां एक तरफ यह भारत के लिए अच्छी खबर है, तो दूसरी तरफ इस खबर ने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, हाल ही में फ्रांस ने भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान किया, और आपको बता दें कि फ्रांस ने देश के एक बड़े महत्वपूर्ण रणनीतिक दस्तावेज में भारत का नाम लिया है। आपको याद होगा कि हाल ही में अमेरिका ने भी अपनी 48 पन्नों की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भारत का जिक्र किया था, और अब इसके बाद फ्रांस ने भी अपने नेशनल स्ट्रेटजिक रिव्यू में भारत को अपना की पार्टनर बताया है, और फ्रांस ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आगे जाकर चीन से लड़ने के लिए फ्रांस को भारत की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे में चीन के खिलाफ अब फ्रांस भारत के साथ आ गया है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर फ्रांस ने ऐसा क्या सोचकर क्या कदम उठाया है, और आगे जाकर किस तरह से यह भारत के लिए सही साबित होने वाला है, तो आज हम आपको इस वीडियो में
इसी बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, फ्रांस ने अपने इस स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट में कहा कि भारत हिंद महासागर में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए सबसे अहम भूमिका निभा सकता है। और खास बात यह है कि फ्रांस का यह नेशनल स्ट्रेटेजिक रिव्यू डॉक्यूमेंट देश की रणनीति को 2030 तक दिशा देगा। इस डॉक्यूमेंट में फ्रांस ने यह भी बताया कि वो किन देशों के साथ युद्धाभ्यास करेगा, उसका डिफेंस बजट कितना होगा और कौन सा देश फ्रांस के लिए जरूरी है। अब इसी डॉक्यूमेंट में भारत का जिक्र करके फ्रांस ने यह बता दिया है कि भारत उसके लिए कितना अहम है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि हिंद महासागर से फ्रांस का क्या लेना देना है और क्यों उसे इस इलाके में चीन को रोकने के लिए भारत की मदद चाहिए। तो आपको बता दें कि शांत और स्थिर महासागर फ्रांस के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हिंद महासागर में फ्रांस की भी हिस्सेदारी है। हिंद महासागर के रीयूनियन द्वीप और माउड द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है, और रीयूनियन द्वीप तो फ्रांस का मिलिट्री बेस भी है, और फ्रांस हिंद महासागर में कई क्षेत्रीय संगठनों का भी सदस्य है, और हिंद महासागर का एक बड़ा इलाका फ्रांस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है। लेकिन चीन के इस इलाके में बढ़ते हुए दबदबे से फ्रांस काफी चिंतित है, क्योंकि फ्रांस जानता है कि भारत लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र में एक अहम खिलाड़ी रहा है, और फ्रांस ये भी जानता है कि भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस इलाके की जियोपॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझता है। इसलिए इस इलाके में अपने और भारत के साझा हितों को देखते हुए फ्रांस भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी और आतंकवाद को चुनौती देने से निपटने के लिए फ्रांस भारत के साथ मिलकर काम करने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस इलाके में भारत को भी फ्रांस की काफी जरूरत है। चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत हिंद महासागर में भारत की घेराबंदी करने में जुट गया है, और चीन को करारा जवाब देने के लिए अब भारत ने भी कमर कस ली है। भारत अब फ्रांस और जापान के साथ मिलकर चीन के खिलाफ नेक्सस ऑफ डायमंड नीति को मजबूत करने में लग गया है। इस रणनीति के तहत भारत का समुद्री शिकारी PNI विमान फ्रांस के रीयूनियन द्वीप नेवल बेस पर उतरेगा, जहां से वो चीन पर आसानी से नजर रख सकता है। ऐसे में भारत और फ्रांस साथ मिलकर मजबूती से चीन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपकी इस खबर पर क्या राय है? आप फ्रांस के उठाए इस कदम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।